नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय का जल्द सुनवाई से इनकार। गुजरात में गौहत्या पर होगी उम्र कैद, सरकार ने दी विधेयक को हरी झंडी। अवमानना मामले का सामना कर रहे जस्टिस कर्नल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मुझे काम पर भेजो वरना अगली बार नहीं आऊंगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर बताया, दक्षिण सूडान में अपहृत दोनों भारतीयों को रिहा करा लिया गया है। कश्मीरी युवकों को सोशल मीडिया के जरिए पत्थरबाजी के लिए भड़का रहा है पाकिस्तान। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा, राज्यसभा में मनोहर पर्रिकर का दिग्विजय पर निशाना, आप गोवा में घूमते रहे और हमने सरकार बना ली। कांग्रेस के वेणुगोपाल ने कहा, बैंकों में न्यूनतम राशि पर जुर्माने की व्यवस्था वापस ले सरकार। सरकार ने दिया झटका, पीपीएफ समेत अन्य सरकारी बचत योजनाओं पर घटाया ब्याज। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह में 1,00,000 नमाजियों ने जुमे की नमाज अदा की। कुख्यात आतंकी यासीन भटकल को श्रृंखलाबद्ध विस्फोट प्रकरण में पूछताछ के लिए अहमदाबाद लाया गया। बिहार के नालंदा में बालू उठाने से मना करने पर दबंगों ने की 2 मजदूरों की हत्या। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 33 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। पाकिस्तान में पूर्वोत्तर कबीलाई इलाके के पारा चिनार में विस्फोट, 20 से ज्यादा लोगों की मौत, 70 से ज्यादा घायल। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश और बाढ़ के कारण 25,000 से अधिक लोग बेघर हुए। दक्षिण कोरिया की अपदस्थ राष्ट्रपति पार्क ग्यून गिरफ्तार, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। ये थी आज की प्रमुख खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।